सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम करण है और आपका वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है मनी ट्रेंड्स। गाइस, जैसे कि आपने मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हम एक दूसरे के चैनल को फीचर कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम एक दूसरे के चैनल को फीचर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ जाए कि हम एक दूसरे के चैनल पर फीचर कैसे होते हैं। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर हम अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोलैब करना चाहिए, एक दूसरे के चैनल को हेल्प करना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े, ताकि वॉच टाइम इंक्रीज हो। सो चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं योर चैनल में, ये है मेरा चैनल, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर अपलोडेड है। अब ये देखिए, आप यहाँ पे नीचे जाने के बाद में फीचर्ड का ऑप्शंस देखते हैं, राइट। सो गाइज, ये है मेरे फीचर्ड चैनल्स, यू कैन सी। हाँ, ये मैंने 5-6 पीपल्स के साथ में कोलैब किया है ताकि जब भी हम लोगों के चैनल्स पे नए नए वीडियो आते हैं तो आप जब भी आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया दिखता है। मैंने सभी अलग अलग लोगों से कॉलैब किया है, किसी का स्टेटस वीडियो है, किसी के कोई नई लैपटॉप की जानकारी देते हैं, जैसे यहाँ पे टॉप टेक्निकल पॉइंट है जो गौरव है, गौरव जो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं लैपटॉप्स के बारे में, आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स वो करते हैं। सो मेरा सबसे पहला कॉलअप उनके साथ में ही था, उसके बाद में मुझे और दो तीन बंदे मिले हैं, जैसे के बिलियनर है, के बिलियनर इज़ ऑल्सो गुड चैनल। सो गाइस, ऐसे हम यहाँ पे आपको फीचर्ड करके देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप मेरी चैनल लिस्ट में भी देखोगे तो आपको ये सारे चैनल यहाँ पे दिख जाएंगे, ये सारे लोग एक्टिव है और ये सारे लोगों का जो चैनल है काफ़ी अच्छा रन होता है। तो मेरा सबसे मेन मोटिव इसके अंदर यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इस चैनल को हम फीचर्ड कैसे कर सकते हैं। सो जो आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर सारे सब्सक्राइबर्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं, आप मेरे व्यूज़ देख सकते हैं, जिसके वजह से, ये कोलैब्स के वजह से भी मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं। कंटेंट तो मेरे चैनल पे काफ़ी अच्छा ही है जो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो आप व्यूज़ है वो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी क्रेडिट बी से लोन कैसे ले, तो ये वीडियो मेरा काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, अभी तक 5.6K व्यूज़ आ चुके हैं टोटल मेरे, अभी व्यूज़ भी जो है 10,000 क्रॉस कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये चीज़ से रिस्पॉन्ड मिला है। तो मेरा भी ये अर्ज है कि अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मुझे चैनल भी फीचर्ड कर दीजिए, सो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो अब ये फीचर चैनल होता कैसे है तो मैं आपको ये गूगल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम गूगल पे, यहाँ पे क्रोम में आके मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ यूट्यूब, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे डाल देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। डेस्कटॉप साइट पे डालने के बाद मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से पहले जो मेरा अकाउंट है वो चेंज कर लूँ ताकि इजीली मेरा ये अकाउंट लॉगिन हो जाए। मैं यहाँ से जाता हूँ अब यूट्यूब पे। सो गाइस,
अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। इसके बाद में आप जा सकते जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको अपलोड करके बताता हूँ कि कैसे होता है। लैपटॉप के स्क्रीन पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम माय चैनल्स के सेटिंग में हैं। गाइस, इसके अंदर आपको करना क्या है, कस्टमाइज चैनल का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद में आप जब ये लेआउट पेज पे आओगे, उसके बाद में आपको ये देखिए लेआउट पेज है, यहाँ पे आपको लेआउट जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट नंबर का ब्लू कलर का। उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आना है, उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड सेक्शन देख सकते हैं। ऐड सेक्शन में आने के बाद में आपको गाइस क्या करना है, सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पे फीचर चैनल का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यस, ये ऑप्शन के थ्रू आप इजीली किसी को भी ऐड कर सकते हो आपके चैनल पे जो आपके साथ में कोलैब करना चाहते हैं। तो मैं ये फीचर चैनल को क्लिक करता हूँ, जैसे कि मुझे ऐड करना है जिंदा दिल, सॉरी स्टेटस, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये पहला नंबर का जो चैनल है मैं इसको फीचर्ड करना चाहता हूँ मेरे चैनल पे, ताकि आपको दिख जाए कि कैसे होता है। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे उसको पब्लिश कर देना है। दैट्स इट गाइस, अभी ये जो चैनल है ये मेरे चैनल पे दिखना चालू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं जाता हूँ अभी मेरे चैनल की लिस्ट पे। आप चैनल की लिस्ट अब देख सकते हैं, उसे अपडेट होने में 5 मिनट्स लगता है। जैसे ही अपडेट होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा, ये चैनल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप इस चैनल को इजीली देख सकते हैं। सो होप सो गाइस, आपको मेरी ये सेटिंग समझ में आई हो और आपको समझ में आया हो कि कैसे हम चैनल को फीचर्ड कर सकते हैं और हम एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करके हम ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा ट्रिक और छोटा सा वीडियो था इस बारे में जानकारी देने के लिए, हम कैसे चैनल के एक दूसरे को फीचर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है मनी ट्रेंड्स, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार नए नए वीडियोस लाऊंगा। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, और क्या मैं इसके अंदर इम्प्रूव कर सकता हूँ आप मुझे इसके बारे में भी डिटेल दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे नए वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।